go back. And you need 7. Now we will read the summary. We will see the summary. Chapter name is Gulliver Travels. Gulliver Travels. Gulliver's car travels. Not Gulliver. Gulliver's travels. Okay, Gulliver ka travel. Gulliver ki yatra. Okay. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति अपने बारे में अपनी लाइफ की स्टोरी लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? ऑटोबायोग्राफी. ऑटो का मतलब होता है खुद, ठीक है. बायोग्राफी का मतलब होता है अपनी स्टोरी. बायोग्राफी अपनी स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी. गुलीवर अ सेलर. गुलीवर अ सेलर. सेलर मतलब नाविक. सेलर मीन्स क्या होता है? नाविक, जो बोट चलाता है. वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. जायंट्स मतलब होता है दैत्य. जायंट्स मतलब क्या होता है? दैत्य. दैत्य. ओके, दैत्य. दैत्य. एक स्टोरी है गुलीवर की, जो नाविक है. वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. जो किसके लैंड में फंस जाते हैं? एक जायंट्स के लैंड, यानी दैत्यों के लैंड में फंस जाता है. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंस. इस स्टोरी में वो अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे दैत्यों के उसमें फंस जाते हैं. कौन फंस जाता है? गुलीवर. ऑन द 16th June 1730 वो डिस्कवर्ड लैंड. 16th June 1730 को डिस्कवर्ड करा लैंड. लैंड को खोजा. आर कैप्टन सेंट अ डजन मेन विद वेसल्स फॉर वाटर. जो हमारा कैप्टन था, कैप्टन कौन होता है? शिप को क्या करता है? पूरे शिप को हैंडल करता है, जो कैप्टन होता है उनका, ठीक है, हेड ऑफ द शिप समझ लीजिए. आर कैप्टन सेंट अ डजन. डजन मतलब एक दर्जन मेन को भेजता है वेसल फॉर वाटर. एक वो लेकर, वेसल लेकर किस चीज के लिए? पानी के लिए. जैसे पानी भरा जा सके, वेसल्स को लेकर भेजता है फॉर वाटर. इफ एनी कुड बी फाउंड, कि मतलब इफ एनी कुड बी फाउंड मतलब किसी को भी मतलब मिल सकता है. व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर इनहेबिटेंट्स. अब व्हेन वी केम टू लैंड, जब वो लोग जो उनको भेज देता है, जब वो जाते हैं लैंड की तरफ, उसमें गुलीवर भी है, जाते हैं, लेकिन वी सो नो रिवर, उन्होंने ना तो कोई रिवर देखी, ना उन्होंने कोई स्प्रिंग देखा, ना कोई धारा देखी पानी की, ना कोई इनहैबिटेंट्स देखा. इनहैबिटेंट्स का मतलब है कि वहाँ के लोग, जो रहने वाले लोग हैं, किसी को नहीं देखा. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. लेकिन जो रिवर थे, उन्होंने क्या करा? थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा, थोड़ा और आगे घूमने चले गए. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. जो वो कंट्री थी वो बैरन थी. बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल. बंजर थी और रॉकी थी. रॉकी असल में पथरीली थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. ओके, वो वापस आए क्या करने के लिए? उस क्रू को ज्वाइन करने के लिए. क्रू क्या हो गया? जो पूरे उस शिप का वो था, उसको क्रू बोलते हैं. क्रू को ज्वाइन करने के लिए आए. ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. उन्होंने देखा कि जो उसके अदर्स मेंबर्स थे, वो क्या कर रहे थे? बोट से आए थे वो किनारे की साइड, तो वो क्या कर रहे थे? बोट में चढ़ रहे थे फटाफट से, और रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. शिप में जाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए फटाफट से क्या कर रहे थे? बोट में बैठ के भाग रहे थे, जा रहे थे. बिफोर आई कुड रीच देम, जब तक मैं वहां पहुंचता, आई ऑब्जर्व. मैंने ऑब्जर्व किया. मैंने क्या करा? ऑब्जर्व किया. अ ह्यूज क्रिएचर. एक बहुत बड़ा क्रिएचर, एक बहुत बड़ा प्राणी. वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. वो क्या कर रहा है? उनका पीछा कर रहा है. जो क्रू मेंबर्स थे, जो मेरे और साथी थे, वो बोट में बैठ रहे थे, फटाफट भाग रहे थे. वो क्या कर रहा है? उनका पीछा कर रहा है. और वो क्या है? ह्यूज क्रिएचर है, बहुत बड़ा क्या है? प्राणी है. द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. जो समुद्र का पानी है, वो सिर्फ उसके नीज तक आ रहा है. वो इतना बड़ा है कि जो समुद्र का पानी है, वो उसके नीज तक पहुंच रहा है. हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट.
लेकिन मॉन्स्टर क्या रहा? अनेबल रहा, अनेबल का मतलब अयोग्य रहा ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, क्योंकि बोट की क्या थी स्पीडिंग, बहुत तेज थी स्पीड, बहुत तेज थी, उसको पकड़ने में वो अनेबल रहा। आई टर्न बैक क्विकली, और मैं वापस आया क्विकली, और क्लाइंब्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स, और मैंने क्या करा ऊपर चढ़ गया पहाड़ी पे, ठीक है, फील्ड्स में जहाँ पर क्या थे बार्ले, बार्ले का मतलब जौ के खेत थे, और दोनों साइड जौ के खेत थे। द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और क्या था कॉर्न भी हो रही थी जो 40 फीट्स की थी, जो कॉर्न के पेड़ थे वो 40 फीट्स के थे। देयर वॉज अ फैंस टू पास फ्रॉम वन फीट टू अदर, अब क्या है एक फीट में दूसरे फीट में जाने के लिए उन्हें फैंसिंग कर रही थी, इस तरह की जैसे हम लोग फैंस कर लेते हैं, दीवार कर देते हैं, उस तरह के बार टाइप की कर रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट था। अब लेकिन बोलू उसके लिए क्या था इम्पॉसिबल था, क्यों इम्पॉसिबल था, क्योंकि चढ़ना ही उसके लिए पॉसिबल था, क्योंकि एवरी स्टेप जो फेंस का जो स्टेप था वो क्या था 6 फीट हाई था, 6 फीट ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहैबिटेंट्स इन द नेक्स्ट वील वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, लेकिन उसको क्या करना पड़ा, उसको ट्राई करना पड़ा था उस गैप को करने के लिए, क्योंकि उसने क्या देखा एक इनहैबिटेंट देखा, एक वहां का रहने वाला इंसान आदमी देखा, जो अब उसको क्या करना था वो उसकी तरफ आ रहा था, ठीक है, अब वो आ रहा था, तब उसको क्या करना था नेक्स्ट स्पीड में पहुंचना था, डर रहा था। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, और उसकी हाइट भी उतनी ही लंबी थी जितने की वो था जो बोट को पीछा कर रहा था, उसकी हाइट भी उतनी ही लंबी थी, उसका उतना ही उसका बड़ा था, उसे अज्यूम कर लिया उस चीज को, देखिए उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो क्रिएचर भी उतना ही बड़ा है। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टॉनिश्ड एंड रन टू हाइड माय सेल्फ, और वो स्ट्रक हो गया, आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट, बिल्कुल डर गया वो और आश्चर्यचकित हो गया, और रन टू हाइड माय सेल्फ, ठीक है, और वो भागा, अपने को छुपाने के लिए भाग रहा था। ही कॉल्ड द वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, लेकिन उसकी जो आवाज थी, उस क्रिएचर की जो आवाज थी वो इतनी तेज थी कि जैसे कि ट्रम्पेट की आवाज होती है उससे भी तेज थी उसकी आवाज। इट साउंडेड लाइक अ थंडर, सेवन मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड्स अ फिल रेडी टू रीप द कॉर्न। अब उसने देखा कि बहुत तेज, जैसे कि थंडर हो रहा, कड़क बहुत तेज आवाज चिल्लाने की, बहुत तेज आवाज थी। सेवन मॉन्स्टर देखे उसने कि सेवन मॉन्स्टर्स क्या है उस फील्ड की तरफ आ रहे हैं रेडी टू रीप द कॉर्न, कॉर्न को रीप करने के लिए, काटने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक, उनके हाथ में क्या है एक रीपिंग हुक भी है, ठीक है, सबके हाथों में एक रीपिंग हुक है। रीपिंग हुक का मतलब एक तरह से जिससे कि वो खुदाई कर लें, उसको खोद लें, विच वॉज वेरी बिग, जो कि वो भी बहुत बड़ा है। वेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। अब जहाँ वो छुपा हुआ था, जो ये गुलीवर था छुपा हुआ था, वहीं पर एक क्या हो गया, वहां पर एक क्रिएचर आ गया, ओके, और वो चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, उसने उसको क्या करा पकड़ लिया, ठीक है, बिटवीन हिज थंब, अपने थंब में ऐसे करके उसको पकड़ लिया, एंड फोर फिंगर एंड ब्रॉड मी क्लोज टू हिज आईज, अपनी आंखों के पास ऐसे पकड़ के उसको अपनी आंखों के पास लेके गए, 60 फीट अबाउट द ग्राउंड, उसको मतलब 60 फीट था, उसको ऐसा उसने फील करा कि नीचे से यहाँ तक कितना जितना वो था 60 फीट था। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उसने क्या करा मेरे बाल लंबे लंबे मेरे फेस पे आते, उसने फूंक मारी, ब्लू करा, हवा सी हवा करी मेरे मुंह से बाल हटाने के लिए कि मेरे फेस को क्लियर देखने के लिए। Curiosity थी उनमें, एक उत्सुकता थी कि कौन है क्या है। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, किन्होंने, जिनको वो क्या कह रहा था जाइंट्स कह रहा था, क्रेचर्स कह रहा था, ठीक है, ह्यूज क्रेचर्स कह रहा था, उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और यूनिवर्स को नीचे ग्राउंड पे रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और सभी उसको क्या कर रहे थे, बहुत आराम से उसको, सब क्रेचर्स को देख रहे थे। आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, आई ट्राई टू स्पीक देम I tried to speak them loudly in several languages. और क्या कर रहे थे वो लोग, उन्होंने क्या कर रखा था, स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो मुझे कभी आगे पीछे साइड से वो कर रहे थे। पुल्ड ऑफ माई हैट, उन्होंने मेरी हैट को
गया, ठीक है, मतलब वो निकाल दिया. एंड मेड अ नो गो टुवर्ड्स द फार्मर्स. आई ट्राई टू स्पीक देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस में उससे बातें करने की कोशिश करी. बट ईच टाइम आई डिड सो फार्मर टू पिक मी अप हैड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो इतना छोटा था, वो कान तक ही नहीं पहुंच रहा था. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल व्हिच वाज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर. अब वो एक उनमें से एक फार्मर, उसको क्या फार्मर वो उन्हीं को बोला गया है जो क्रिएचर्स हैं, उनमें से एक फार्मर उसको अपने घर लेके चला गया और वो उससे डाइनिंग टेबल उठा दिया. डाइनिंग टेबल भी 30 फीट ऊंचा था. डाइनिंग टेबल जो था, डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन अ डायमीटर. वो क्या हो गया, डिनर आ गया और टेबल पे, ठीक है, जो डिश थी वो ही 10 फीट डायमीटर थी उसका. इतनी बड़ी प्लेट डिश लग रही, उसे प्लेट लग रही थी. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी. फार्मर्स की जो वाइफ थी, जो किसान की पत्नी थी, उसने उसके सामने क्या रखा, कुछ ब्रेड रखी, ठीक है, उसके सामने ब्रेड रखी. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ वॉइस बिहाइंड मी. मिडिल डिनर के मिडल में उसको एक वॉइस सुनाई थी. इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ऑक्स. उसने एक कैट की आवाज़ सुनी, कैट की आवाज़ सुनी जो जो क्या थी, ऑक्स से 10 टाइम्स लार्जर देन थी, ठीक है. ऑक्स से यानी किससे, लोमड़ी से, सॉरी लोमड़ी नहीं, बैल से, ओके, बैल से 10 गुना क्या थी, बड़ी थी. द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम. फार्मर्स की वाइफ ने उसको क्या करा, स्ट्रोक किया. देयर एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. उसके हाथ में क्या था, बच्चा था, फार्मर्स का बेबी था उसमें, जो उसने अपने आर्म्स में उसको पकड़ा हुआ था. ऑन सी मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माय हेड इनटू हिज माउथ. और जो बच्चा था, जो उसके हाथ में बच्चा था, वो ही मुझे क्या ग्रैब करने की सोच रहा था. ग्रैब मतलब उसको निगलने की सोच रहा था उसको. आई शाउटेड मैं चिल्लाया सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बेबी मुझे क्या करेगा, पकड़ लेगा, गिरा देगा. आई वुड हैव ब्रोकन माय नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी. अगर मदर ने एप्रन ना पहना हुआ होता, एप्रन होता है जो हम खाना खाने से पहले पहनते हैं, ठीक है, अगर वो ना पहना हुआ होता तो मैं गिर ही जाता, मैं उसमें फंस गया, उसके अंदर आ गया. आई वुड हैव मेरी गर्दन टूट जाती है अदरवाइज एप्रन ना होता. तो लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माय होम माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन. अब उसकी जो फार्मर्स की वाइफ थी, उन्होंने उसको बेड पे लिटा दिया, आराम से सुला दिया और उसके ऊपर क्या करा, हैंडकरचीफ मार रख के ही वो पूरे में कवर हो गया जो लीवर था और वो सो गया. और वो अपने किसके बारे में सोच रहा है, अपने वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, इन लोगों के बारे में सो गया और अच्छी तरह सपने देखने लगा. दिस इज अ स्टोरी ऑफ गुलीवर ट्रैवल्स एंड आई रिवाइज दिस स्टोरी एंड लिसन रिपीट रिवाइज बार बार आप इसको सुनिए अगेन एंड अगेन, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा.